Hello student, today I am going to explain a new chapter of subject moral science. The chapter name is God is Everywhere. So there is a story, okay? So let's start the chapter, okay? Once upon a time there was a farmer named Dadaji. एक बार की बात है, एक फार्मर रहता था, किसान रहता था, जिसका नाम क्या था? दादादीन। दादादीन was very poor but he was a hard working and honest man. दादादीन जो था क्या, वो गरीब था लेकिन क्या था, ईमानदार था, बहुत मेहनती था। He lived in a simple and happy life. एक बहुत अच्छी जिंदगी वो जी रहा था। He had a son named Gopal और उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? गोपाल। गोपाल was an obedient child और गोपाल क्या था? एक obedient child था। Who loved and respected his parents. जो अपने बच्चे, अपने parents को बहुत वो love भी करता था और respect भी करता था। दादादीन used to tell Gopal bedtime stories every day to help him develop good qualities. और दादादीन जो था वो अपने बच्चों को, गोपाल को सोने के वक्त हमेशा कहानी सुनाता था ताकि उसके अंदर अच्छी qualities develop हो। दादादीन would tell his son that God is everywhere and also that he notices all our work. तो दादाजीन तो था कि अपने गोपाल को क्या कहता था हमेशा कि God is everywhere, ईश्वर क्या है, हर जगह है और वो हमें नोटिस कर रहा है जो भी हम काम कर रहे हैं। दादाजीन's words always had a deep impact on the young boy mind. और दादाजीन का जो ये बात था वो गोपाल के माइंड में क्या था, धीरे धीरे बैठता चला जा रहा था। गोपाल लर्न टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल और गोपाल जो था वो भी ऑनेस्ट और ट्रूथफुल बनने लगा। हाउएवर देयर हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ चेंज वेयर देयर वाज अ फेमिनाइन इन देयर एरिया और उनकी जो खुशहाली जो जिंदगी था वो क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ कि जब गांव में क्या आया, सूखा पड़ गया। नथिंग ग्रो इन दादादीन्स फील्ड और दादादीन के खेत में कुछ भी नहीं उगता था, कुछ भी नहीं हुआ। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ऑल अराउंड और क्या था, खाने की कमी हो गई। ही ट्राई हार्ड टू अरेंज फूड फॉर हिज फैमिली और उसके लिए, अपने परिवार के लिए अनाज का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया। नो वन कैन गिव हिम एनी वर्क और मनी और फूड, कोई भी क्या था उसे ना खाना दे रहा था ना काम दे रहा था। ही इवन बेग्ड बट स्टिल कुड नॉट अरेंज एनी फूड फॉर हिज फैमिली, वो बहुत लोगों से विनती करता था खाने के लिए लेकिन उसको खाना कोई नहीं देता था। There were people dying all around due to hunger and extreme poverty. अब लोग क्या थे, भूख के कारण और गरीबी के कारण मरने की कगार पे आ गए थे। When Dadaji could not bear to see his family suffer any longer, जब दादाजी को ये देखा कि अब मेरी फैमिली जो है ज्यादा दिन तक भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, he decided to steal grains from the godown of a trader. तो उसने क्या सोचा, उसके दिन मन में क्या आया कि अब मैं चोरी करूंगा एक गोडाउन से कुछ अनाज को ताकि मैं अपने फैमिली को दे सकूं, मतलब पाल सकूं। ही टू गोपाल विथ हिम और उसने वो चोरी करने गया और साथ में अपने बेटे को भी ले गया गोपाल को। एट फर्स्ट गोपाल डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हिज फादर वाज डूइंग, पहले तो गोपाल नहीं समझा कि मेरे पापा क्या करने जा रहे हैं। बट शी रियलाइज हिज फादर इंटेंशन, लेकिन बाद में उसने अपने फादर का इंटेंशन को, नियत को देखा। When his father said, जब उसके फादर ने कहा, inform me if anyone comes here, कि मुझे बताना अगर कोई आएगा तो, because दादाजी क्या था, वो चोरी कर रहा था और बाहर क्या था, अपने बच्चे को खड़ा करके रखा था गार्ड की तरह कि अगर कोई आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। गोपाल was sad, गोपाल ये इसको देख करके बहुत दुखी हुआ। He told his father, अपने पापा से कहा, फादर someone is here, फादर कोई यहाँ है। दादाजी लुक अराउंड, दादाजी इधर उधर देखा। ही कुड नॉट सी एनीवन, वो किसी को नहीं देख सका। सो ही आस्क्ड हिज सन, फिर उसने अपने बेटे से पूछा, वेयर इज ही, कौन है? आई कांट सी एनीवन अराउंड, मैं तो यहाँ किसी को नहीं देख रहा हूँ। वी कैन नॉट सी हिम बट ही कैन सी अस, सेड गोपाल, कि हम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख रहा है। हिज फादर आस्क्ड हिम What is mean? के पापा ने कहा, क्या है इसका मतलब? गोपाल से, तब गोपाल ने कहा, You told me, आपने कहा था कि God is everywhere and sees whatever we are doing. कि God तो हर जगह है और हम जो कुछ कर रहे हैं वो देख रहा है। Won't he see stealing grains? क्या वो नहीं देख रहा कि आप चोरी कर रहे हैं?
दाता दीन फील अशेम्ड और दाता दीन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। He kept the grain back and returned home with his son. उसने ग्रेन्स को छोड़ दिया, अनाज को ही छोड़ दिया और अपने साथ वापस घर आ गया। After some days, दाता दीन got a job in the neighboring suburbs. कुछ दिनों के बाद दाता दीन को क्या है सामने कहीं निकट में ही कहीं जॉब मिल गया। Soon there was a rainstorm and things changed for the better. उसके बाद बारिश अच्छी खासी हुई और सारा जो सिचुएशन वो था चेंज हो गया। It seemed God has blessed them for their honesty. ऐसा लग रहा था कि गॉड ने उनकी ऑनेस्टी के लिए उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें तोहफा दिया। That year दाता दीन had plentiful crops and he earned good profit. और उस साल दाता दीन के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई और दाता दीन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। He was happy and proud of his son. और वो बहुत खुश था और अपने बच्चे के ऊपर उसको गर्व हुआ। So the student, the moral of the story is, have faith in God. ईश्वर के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? Faith करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। His blessing may be late, but never fail. उसका जो कृपा है, वो late हो सकता है, कभी fail नहीं हो सकता।